सानत खिड़किया के बाहर 5 फुट चौड़े नाले की स्थिति देखने लायक ही है। इसके आसपास रहने वाले लोगों को अनेक तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। उसी के साथ यह नाला कभी सफाई नहीं होती है और ना ढका हुआ है। आने जाने वाले राहगीरों को भी उस पर से निकलने में काफी परेशानी होती है। तो आपको समस्या क्या है यहाँ पे? समस्या ये, नाला पूर्ण तरह खुला हुआ है, इसमें बच्चे गिरते हैं, कोई वाहन सुविधा नहीं है, न एम्बुलेंस आ सकती है कोई आपातकालीन स्थिति में। मयूर नगर कॉलोनी पूरी जलमग्न रहती है इस नाले के कारण, निचले घरों में पानी भर जाता है। नगर पालिका से कई बार लिखित में लोकपाल के दायरे में इसको दिया था, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद कलेक्टर को दिया था, उन्होंने इसको सतर्कता में भेजा, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल आश्वासनों का दौर चलता रहा, नाले की समस्या जस के साथ। क्या आपको 10 साल से ही इस नाले की समस्या है? जी, पूरी 10 साल से ये नाला, लेकिन बीच में ये नाला बना था, लेकिन कोई मतलब नहीं, उसका कोई पूर्ण रूप से हल नहीं हो पाया इस नाले का। इस नाले के कारण कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? करीब 8 से 10 हजार लोग हैं। यहाँ 3 निजी विद्यालय हैं, 1 गवर्नमेंट है। बच्चे आए दिन नाले में गिरते रहते हैं, बड़े बुजुर्ग गिरते रहते हैं, वाहन गिरते रहते हैं इस नाले के अंदर, लेकिन कोई नगर पालिका प्रशासन की कोई भी इसमें है ही नहीं कि ये इस नाले के रूपरेखा तैयार करें। नाला आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है? ये नाला शहर के अंदर से आ रहा है और भुगतना हम सायनाथ खंड के बाहर वालों को पड़ता है इस नाले के लिए। ऐसे नालों के प्रति प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। उसी के साथ में नगर परिषद के बोर्ड पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 5 फुट चौड़े नालों की सफाई वर्षा पूर्व कराते हैं, जबकि इस नाले की सफाई आज तक हुई ही नहीं है। या तो इस नाले का पूर्णतः निकाल करें, नियमित नाले को शहर के अंदर ही रोकें। सरकार ने नागरिक अधिकारों के अंतर्गत बड़े नालों की सफाई वर्षा पूर्व प्रतिवर्ष कराने के लिए वचनबद्ध है। इसके बारे में नगर परिषद के बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, जबकि सानित खिड़किया के बाहर 5 फुट चौड़े नाले की सफाई 10 वर्ष बाद भी आज तक नहीं हुई है। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।